मंगल पांडे, ऐसा नाम जिसने देश में आजादी का बिगुल फूंका था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह की पहली चिंगारी सुलगाई थी। ये चिंगारी पूरे देश में आजादी की ज्वाला में बदल गई। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस क्रांति को दबा दिया। बंगाल की बैरकपुर छावनी से इस क्रांति की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड में 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, खुद को गोली मारकर घायल भी कर लिया। 7 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी हुकूमत ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। स्थानीय जल्लादों ने मना किया कि वो फांसी नहीं लगाएंगे। इसके बाद कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर मंगल पांडे को फांसी दी। 29 मार्च 1974, 49 साल पहले चीन के शांक्सी प्रांत में जमीन ने 8,000 सैनिकों के, ये सैनिक पकी मिट्टी यानी टेराकोटा से बने थे, 2,000 साल से जमीन में दफन थे, अपने राजा की कब्र की सुरक्षा कर रहे थे। शांक्सी के किसान कुआं खोद रहे थे, तभी उन्हें इस आर्मी के बारे में पता चला। 1.5 किलोमीटर के दायरे में खुदाई करवाई गई। फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हॉल में 11 कतारें नजर आई। इन कतारों में 8,000 सैनिक जमीन से बाहर निकले। हर सैनिक की ऊंचाई अलग अलग, इन्हें अलग अलग भूमिका दी गई थी। ये राजा किन शी हुआंग की मौत के बाद बनाए गए। मकसद था सैनिक मौत के बाद भी राजा की सुरक्षा करें। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।